दबंगों ने अवैध उत्खनन करते हुए तोड़ डाले पंचायत के निर्माण। लाखों की कीमत से बनी पुलिया और चेक डैम को किया ध्वस्त। पंचायत के एक जागरूक युवा ने उठाई इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। पंचायतों में सरपंच की मिली भगत अब आम बात हो गई है। ताजा मामला खनिया थाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम धर्मपुरा पंचायत का है, जहां पर दबंगों ने रेत माफिया ने मिलकर अवैध उत्खनन करते हुए लाखों की कीमत से बनी मुख्य सड़क की पुलिया और चेक डैम को ध्वस्त कर दिया। दबंगों के बहस से कोई भी ग्रामीण आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में गांव के एक जागरूक युवा अजीत सिंह यादव ने सारे मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इस कारगुजारी में शामिल दबंगों के खिलाफ खनिया थाना थाने में एक लिखित आवेदन दिया। धर्मपुरा पंचायत में घटिया सामग्री से निर्मित शांति धाम, मुख्य सड़क पर पुलिया निर्माण व अन्य पंचायत के निर्माणों में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए जनपदों और तहसीलदार खनिया थाना को लिखित आवेदन देकर कार्यवाही करने का निवेदन किया। खनिया थाना जनपदों ने आवेदन पर तुरंत कार्यवाही करते हुए सरपंच धर्मपुरा को एक पत्र के जरिए जवाब तलब किया। साथ ही राजस्व अमले ने कार्यवाही करते हुए अवैध रेत का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्राली को पकड़कर मायापुर थाने में FIR दर्ज करवाई। इस समूचे घटनाक्रम में गांव के युवा अजीत यादव की सराहनीय भूमिका रही। अब देखना होगा कि पंचायत में किए गए लाखों रुपए के निर्माण कार्य को क्षति पहुंचाने वाले दबंगों पर आखिर क्या कार्रवाई होती है। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वहाँ पे बहुत बड़ा अवैध रेत का खनन हो रहा है। ना जनपद CEO ने कुछ कहा है, ना वहाँ देखने गए हैं, और ये शासन प्रशासन की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। वहाँ पे रास्ता भी बंद है, जो चेक डैम बना था पूरा तोड़ दिया गया है। रेत का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है वहाँ पर। कोई अधिकारी कुछ कहने को मंजूर नहीं है, सब अपनी अपनी निकल लेते हैं। जैसे ये पुलिया का निर्माण हुआ था, उसको तोड़ दिया गया है दबंगों द्वारा। वो पुलिया का निर्माण 2018 में कंप्लीट हुआ था। 14,95,000 रुपए की लागत से वो पुलिया बनवाई गई थी जनपद द्वारा, सरपंच के द्वारा, लेकिन उसको 2-3 साल में उसको ख़त्म कर दिया गया। वो बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, और ना ही जनपद CEO के पास आवेदन दिया तो उन्होंने ना ही उसकी रिकवरी के लिए कुछ किया है, ना भी कुछ कोई जवाब देने में संदेह नहीं है।